बहुत डिफरेंस है पहले से। अब मैं मतलब इंस्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई और बहुत ज़्यादा रिलीफ आया पहले से पेन में। इस तरफ टिल्ट आ रहा है दीप्ति, राइट साइड पे। राइट साइड पे हल्का सा टिल्ट है, मोस्ट प्रोबली फंक्शनल टिल्ट है ये, तो उठने बैठने की आदतों से बनता है आमतौर पर। तो जैसे कि हम एक तरफ बैठते हैं या एक तरफ सोते हैं तब बनता है, जी खासकर पेट पे सोने वालों को ज़्यादा बनता है ये। ऐसे हम सोते हैं ना इस तरीके से, जी मैं ऐसे ही सोती हूँ। हाँ, तो आमतौर पर बनता है ये। एग्जैक्टली बता देता हूँ मैं कि जो लोग ऐसे सोते हैं, जो ऐसे सोते हैं ना लोग, उनको ज़्यादा बनता है ये, क्योंकि इसमें ना टिल्ट स्पाइन ऐसे हो जाती है। आप भी ऐसे सोती हैं? हाँ जी सेम ऐसे ही। हाँ, तो ये पूरा स्टिफनेस क्रिएट कर देता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग अ प्रॉब्लम, राइट। एंड नेक में है C3 C4, हल्का सा टिल्टेड है राइट साइड पे। वी ऑल्सो हैव अ लुक ऑन दिस एज वेल। ये यहाँ पे इसकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इट हैज़ शिफ्टेड लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो आप जब वो मतलब मोबाइल वगैरह हम देखते हैं ना, बड़ा घुस के अंदर नहीं देखना, थोड़ा सीधा होके बैठना है, दिस विल हेल्प यू। तो इस तरह स्लांट हो गई है, इसमें आपको डिफरेंस भी नज़र आता होगा ऊपर नीचे का, मतलब हाँ इस तरीके से डिफरेंस आ गया। तो ये जो कंधा है ना, ये हल्का बेसिकली नीचे है, तो ये पूरा और ये इस तरफ ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है जी। बैठिए प्लीज़। फोर पॉइंट लेफ्ट साइड पे ही आ रहा है, बस पीछे आएंगे, पीछे 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 पीछे, बस बस रिलैक्स, जस्ट लूज, जस्ट लूज। ईजी, जस्ट ईजी 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 ईजी, बस लूज कर लो प्लीज। आर यू ओके? ठीक है, लेट जाए, सीधा रहे। ये थोड़ा सा ना हंच भी निकल गया आपको ना, गोला पीछे निकला हुआ है ये ना, गोलाई से। ये जेनेटिकली होता है, आपकी मदर को रहा होगा मुझे लग रहा है। उनके बहुत ज़्यादा पेन होता है मतलब शोल्डर्स पे अभी आजकल। सर्वाइकल है मेरे को, हाँ तो ये जी सर्वाइकल की निशानी होती है, ये ओके डोवर हम बोलते हैं इसको। ओके यूज करो प्लीज, यूज यूज यूज। हल्का मुझे ऐसे लगा कि कुछ। हाँ इजी करो। नहीं सही है, बस लूज अप। लूज करना है बिल्कुल ढीला। जो इस तरीके का जो ट्रेंड था ना यहाँ पे स्पाइन हल्का सा इंक्लाइन था, उसको फिक्स करने वाले हैं हम लोग। आगे आइए ना, जस्ट कीप ऑन कमिंग, गिराऊंगा नहीं मैं आपको, जस्ट आप लूज करो, नहीं गिरोगे आप, मत पकड़ो मत पकड़ो मत पकड़ो, गिरोगे गिरोगे। वेरी गुड, रिलैक्स। ऑल गुड, ठीक है। उल्टा लेटना, अभी सांस लीजिए थोड़ा, फिर से लें थोड़े, फिर से लें थोड़े, फिर से लें सांस, छोड़ेंगी मुंह से, सांस लें मुंह से छोड़ें, यस
आगे चले जाइए, आगे थोड़ा और जाओ, और जाओ थोड़ा सा, बस दैट्स राइट, छोड़ना नीचे, छोड़ दें, बस एक और सांस लें अंदर, छोड़ें, वेरी गुड, एक बार और सांस बाहर, रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट जस्ट गेट कंफर्टेबल, बस आगे झुकिए थोड़ा सा, आगे झुक जाइए, वेरी गुड, थोड़ा आगे झुकिए, थोड़ा झुकिए और झुकिए, पुश कर दें अंदर, पुश इन साइड, पुश जोर से करो, ऐसे दबाओ, ऐसे दबाना, बहुत जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से, वेरी गुड, इसको सीधा करना है, लूज करो, जस्ट लूज करो, ऊपर जाइए हल्का सा, ठीक है, छोड़ देना चाहिए, हल्का सा नोज टिल्टेड है, कर देता हूँ नोज, आईज क्लोज करिए, पूरा खोल के देखिए, क्लोज करें, फिर से हो रहा है, इस तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, राइट साइड रिस्ट्रिक्शन है, जॉ के अंदर सीधा करिए, फिर से हो रहा है, सीधा नहीं खुल रहा, ऐसे खुल रहा है, अच्छा सीधा फिक्स करते हैं इसको, ओपन करिए जॉ को, यस इजी इजी, आ करो आ, बस वंस ना ब्लू मून में, तो मतलब मंथ डे मंथ टू मंथ में एक बार, नाभि सेट कर देता हूँ, नाभि ऊपर है आपके, ऊपर और लेफ्ट साइड पे, ब्लोटिंग नहीं रहती, नहीं इतनी नहीं, जब या तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया होती तब होता है, तब अब दोनों घुटने मोड़े एंड स्ट्रेट करें, स्ट्रेट स्ट्रेट कर दो, स्ट्रेट स्ट्रेट कर दो घुटनों को, सेट हो गया ना अभी, डन, हाँ जी, बहुत डिफरेंस है पहले से, अब मैं मतलब जैसे इतना हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से बॉडी पूरी पेन रहती थी, मतलब वीक में 4-5 दिन तो पेन रहता ही था मेरे, बट हाँ अभी मतलब
इंस्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई और बहुत ज्यादा रिलीफ आया पहले से पेन में। तो हाँ कितने साल से ये चीज चल रही थी आपकी? मैं 3-4 ईयर से तो पेन रहता था मेरे और कंटिन्यूअसली रहता था। वो बैठने का काम होता है, आईटी और हाँ मोबाइल वगैरह चलाने हाँ का काम राइट होता है। ठीक है, हमारे बारे में पता कैसे लगा था आपको ये? मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे यहाँ के बारे में अच्छा, और उसने आपकी बहुत तारीफ़ की कि मतलब आपने बहुत सारे पेशेंट को मतलब रिकवर किया है बहुत अच्छे से। तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह देती हूँ कि आप लोग भी आइए और यहाँ से ट्रीटमेंट करवाइए, फीडबैक आपको अच्छा ही मिलेगा। ओके राइट मैम, क्या ये वीडियो हम ऑनलाइन डाल सकते हैं? हाँ श्योर, वाई नॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके।